दोस्तों इस वक्त मौजूद हूं मेरे साथ हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और हम बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीवी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा। डेड लिफ्ट चैंपियनशिप में बाइक जीतकर अपने गांव नगला शावला अकोला पहुंचे युवाओं का जोरदार स्वागत और सम्मान किया गया। टीम देवेश को लेकर ग्रामीणों ने गाँव में प्रभात फेरी भी निकाली, साथ ही साथ माला और साफा पहनाकर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत और सम्मान किया। ग्रामीण विजयपाल सिंह ने कहा कि हमें अपने गांव के बच्चों पर गर्व है जिन्होंने खेल के प्रदर्शन में गांव और शहर का नाम रोशन किया है। ग्रामीण विजयपाल सिंह ने कहा कि जिस प्रकार हमारे बेटों ने खेलों में अपना प्रदर्शन दिखाया है उस पर हमें गर्व है। चैंपियनशिप के सचिव भवन चौधरी और महासचिव प्रवीण नोहवार ने बताया है कि यह प्रतियोगिता बीते 25 सितंबर 2022 को तालफ्रोज खान मधुनगर पर आयोजित की गई। प्रतियोगिता में सभी पुरस्कार राशि 51,000 से अधिक एवं अंतिम पुरस्कार स्टार सिटी स्पोर्ट बाइक के रूप में थी। इस प्रतियोगिता में हरियाणा, अलीगढ़, दिल्ली, आगरा सहित कई जिलों की टीमों ने जोरदार प्रदर्शन किया। आखिरी प्रदर्शन बाइक विजेता रहे देवेश टीम नगला सावला अकोला मलपरा की रहने वाली है, जिसमें प्रदर्शन किया देवेश चाहर, मोहित, हर्ष, हेमंत, सोनू, भरत, चेतराम, ऋतिक, सत्येंद्र और भूपेंद्र ने। सभी खिलाड़ी जब मंगलवार को अपने गांव नगला सावला पहुंचे तो ग्रामीणों ने डेड बुल चैंपियनशिप के खिलाड़ियों का स्वागत और सम्मान किया। इस मौके पर ग्राम प्रधान राजवीर सिंह, पंचम सिंह, जोगेंद्र सिंह, राकेश, खूबीराम, राजू आदि ग्रामीण उपस्थित रहे और सभी ने देखे खिलाड़ियों के लिए किस प्रकार अपने विचार रखे हैं। साथ ही साथ अगर आपको हमारी खबरें पसंद आएँ तो हमारी खबरों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। साथ ही साथ हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर हमें उत्साहवर्धन के लिए कमेंट करें और खबरों को अधिक से अधिक शेयर करें। बस यही हम आपसे आशा करते हैं। मैं विजयपाल सिंह चाहर, विधानसभा अध्यक्ष, आगरा ग्रामीण समाजवादी पार्टी। आज ये कार्यक्रम है, ये बच्चों का ये जीत के आए हैं और ऐसा हमारे गांव में पहली बार हुआ है कि ये बच्चे एक वो मस्त जीत के आए हैं और इनके हौसला बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये प्रोग्राम रखा। कैसा लग रहा है इतनी बड़ी प्रतियोगिता जीतकर? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, गांव के लोगों को बहुत अच्छा ये अनुभव हो रहा है अब कि हाँ बच्चों को कुछ कराना चाहिए और बच्चों का भविष्य के लिए ये थोड़ा सा मेहनत करानी चाहिए, खिलाना पिलाना चाहिए, इससे बच्चे थोड़ा ऊपर जाएं। जी मैं अपना परिचय देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि द बुल डेडलिफ्ट करके हमने एक चैंपियनशिप आयोजित की थी बीते कल 25 सितंबर 2022 को, जिसमें कि हमने कैश प्राइज पर 51,000 रुपये का पुरस्कार रखा था और फाइनल प्राइजिंग के लिए हमने द स्टार स्पोर्ट बाइक रखी थी, जिस टीम के विनर द देवेश हैं। मैं भुवन चौधरी सेक्रेटरी हूँ द बुल चैंपियनशिप का और ये जो मेरे साथ में खड़े हुए हैं प्रवीण नौवार, ये जनरल सेक्रेटरी हैं द बुल चैंपियनशिप के और हम दोनों ने साथ में मिलकर ये आयोजन किया। इस चैंपियनशिप में बहुत सारी टीमों ने अपना जोर बल दिखाया, बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन दिया आपस में एक दूसरे को और इसके फाइनल टीम विनर द टीम देवेश थे, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं सभी खड़े हुए हैं। इन सभी बच्चों की जितनी सराहना की जाए उतना कम है, क्योंकि इन बच्चों ने नेशनल चैंपियंस को टक्कर देते हुए ये चैंपियनशिप जीती है। नगला सावला के ये बच्चे हैं सारे, इन्होंने नगला सावला का नाम रोशन किया है, साथ ही इन्होंने द देवेश टीम का नाम रोशन किया है, उसके साथ इन्होंने अपने गुरुओं का नाम रोशन किया है, माँ बाप का नाम रोशन किया है और आगरा का नाम रोशन किया है, क्योंकि इन्होंने नेशनल टीम के मेंबर्स को हरा के, जो कि सीनियर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको हरा कर ये चैंपियनशिप जीती है। थैंक और आज हमारी टीम देवेश अपने गांव पहुंची है नगला सावला में और आज हमारे गांव वालों ने सभी ने पूरा योगदान करके हमारा स्वागत किया, हमारे गुरुजियों का स्वागत किया है
और इतना अच्छा स्वागत हुआ है, इसका कोई जवाब नहीं। जैसी हमारी तैयारी थी उससे कई ज़्यादा इनकी शुभकामनाएं हमें यहाँ पे लेके आई हैं। और देना चाहेंगे सरे आप जीत का पूरी टीम? पूरी टीम मैं कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं पूरी टीम को क्या कहूँ। और जितने हमारे टीम के मेंबर्स हैं शांत हैं, हमारे गुरुजी हैं जो इतने शांत स्वभावी हैं, मैं उनको कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, उनके बारे में मेरे पास शब्द ही नहीं है। गांव वालों की, हमारे घर वालों की फुल सपोर्ट रही है हमारे लिए, कोई और जितना भी बनाए उनसे उतना किया उन्होंने। बहुत ही अच्छी थी और कह सकते हैं कि मैं अंदर से खुद घबरा रहा था कि जीत। हमारे शैलेंद्र भाई हमारे गुरु को गुरु मानते हैं, वो आए तो उनकी टीम आई थी, दिल्ली की टीम थी, और आप जानते हो स्टेडियम की टीम कैसी होती है, और इन स्टेडियम में हमारे बन जितने उनको मुश्किल से 9 या 10 महीने हुए होंगे तैयारी करते हुए। जो मेरे गुरु जी हैं प्रवीण नवार जी, उन्होंने सर मुझे तैयार किया। गांव के लड़कों की है या जी सर? हमारे ज़्यादातर लड़क थे वो अपने गांव के थे, और शहर के भी थे कुछ लड़के। सर मैं किसी प्लेयर को नहीं, इसमें जो था पॉइंट के हिसाब से का रूल है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बनती है वो पॉइंट्स के हिसाब से मिलती है, जो गोल्ड लाता है पॉइंट मिलते हैं, जो सिल्वर लाएगा उसे 6 मिलेंगे। और सर इसका प्रॉब्लम ये थी कि हमारे जो बंदे थे सब जूनियर के थे, जो भी अंडर 19 में थे, और हमें कम्पीट करना था 90+ वालों के साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि 15 लोगों की टीम थी अकेली, जिसमें जो अंडर 19 के बच्चे थे, आप जानते हो कि जो बच्चे एक साल से ज़्यादा तैयारी कर रही होनी हुई है, और वो बस कम्पीट कर रहे हैं सीनियर के साथ, तो हम 3 या 4 दिन से कम भाई मेरे गुरु जी भी नहीं सोए हुए थे, और मैं भी आप देख सकते हैं बराबर बैठा है अंदर से, बच्चों को अपने साथ वालों को नहीं कह सकता था, मेरे साथ वाले मुझसे नहीं कह सकते, हम अंदर से कितने डले हुए थे और कुछ बता भी नहीं सकते। जो ठीक है सर, ये हमारे बच्चे जो हमारे सामने खड़े हैं वेट लिफ्टिंग का इनका कार्यक्रम था, और हमारे गोविंद प्रवीण जी इनके कोच हैं, इन्होंने इनको बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षण दिया है, और मैं समझता हूँ कि हमारे क्षेत्र में ऐसे बच्चे इस तरह का प्रशिक्षण लेते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, तो वो आगे बढ़ जाएंगे, गांव का नाम रोशन करेंगे, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। हमारे ग्राम पंचायत मनकड़ा के नगला साबला के देवेश जी हैं, उन्होंने वेटलिफ्टिंग में ये बाइक जीत करके प्रथम स्थान प्राप्त किया है, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इनके माता पिता ऐसे जिन्होंने जन्म दिए बच्चों के, उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और इन बच्चों के साथ पूरी शुभकामनाएँ, पूरा आशीर्वाद है।